यार हमने एक पकड़ी माशाल्लाह। ओ बड़ा हुक। ओ हो 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 बड़ा हुक से इसीलिए वो भी जाते हैं। यार अभी एक फिश आई थी बिल्कुल छोटा सा ऐसा, लेकिन ये वो भी यहाँ पर आते आते जो है ना वो निकल गई है। किधर से आप? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से कहाँ से? स्वात कोहाट से। माशाल्लाह ये फिश देखें जी। तो माशाल्लाह से यार काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मोहम्मद अहमद। जी तो आज हम जो है अभी घर से निकला है इस समय, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में, और अब हम जो है मूव कर रहे हैं कॉर्निश की तरफ। दोहा मेन सिटी में ही जो कॉर्निश है, सी साइड व्यू है, उस तरफ मूव कर रहे हैं और जा किस लिए रहे हैं जी? फिशिंग के लिए। ठीक है जी। कुछ पूछा मैंने कुछ? मैं आपको रॉड पीछे पड़ा बनना दिखाता, अभी बाहर निकल के दिखाते हैं ये फिशिंग रॉड, और जाके देखते हैं। रात में गए थे लेकिन यार कुछ मतलब ऐसा मछलियों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था मिला। फिर थोड़ी देर बैठे और फिर घर आ गए। अब दोबारा चलते हैं, देखते हैं क्या सीन्स हैं। मछलियों का दिल करता है हमारे पास आने के लिए कि नहीं। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, धूप के साथ थोड़ी बहुत जो गल्फ में जो है गर्मी वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो गई है दोपहर के टाइम पे, मतलब धूप होती है, मतलब इतनी पीक पर नहीं है अभी। अभी जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो आप गर्मी वाला कह सकते हैं अभी वो है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप दिन गुजरते जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, तो फिर पसीने ही पसीने और क्या होगा। आर, आर, आर। और बस मेरे साइड पे आप देख सकते हैं कॉर्निश, जो कि मेन हब है दोहा का, ठीक है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर जो है चलते हैं साइड पे, सी साइड के व्यू पे, और चलते हैं गाड़ी पार्क करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो अब यहाँ पर हम जी पहुँच गए हैं। हाँ चीज़ें सारी पकड़ लेते हैं। और ये है जी कॉर्निश व्यू साइड, और ये सामने लखविया की गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, और ये जी गाड़ी पार्क करते हैं, इसमें से चीज़ें निकालते हैं। पानी ले लिया जी, और ये इलेक्ट्रिक जो है स्कूटर्स खड़े हैं, और ये है जी कुछ व्यू, वो वेस्ट पे है बिल्कुल आपके सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है, और यह है साथ ही कॉर्निश जो लिंक करता है पूरे दोहा मेन सिटी को। यहाँ पर जी जो ड्यूरिंग फीफा जो है फ्लैग्स लगे हुए थे सारी कंट्रीज़ के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्यू विद बोट्स ज़बरदस्त। वो अभी तक मेंशन है फीफा वर्ल्ड कप 2022। चलते हैं देखते हैं आगे क्या सीन होता है। और यार जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो यार चैनल सब्सक्राइब करो। कोशिश करेंगे कि रोज़ इस तरह की जो है ना वीडियोस लेकर आते रहें। कभी यार टाइम नहीं मिलता इतना अवेलेबिलिटी का कि यार वीडियोस बनाई जाएं, अगर हो भी तो कभी दिल नहीं करता तो, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे जो है रोज़ वीडियोस बनाई जाएँ। और कुछ व्यू हमारे जो है पठान भाई बैठे हैं और देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये जी फिशिंग हो रही है, कुछ हमारे पठान भाई लोग हैं यहाँ पर, कुछ जो है फिलीपाइंस पीपल हैं, और इसके अलावा कुछ बंगालीज हैं। और ये जी हमारा इधर फिशिंग रॉड आ जाता है जी।
अभी इसे सेट करते हैं शहजाद भाई। नहीं यार, पीने के लिए कुछ पानी शानी, ताकि यार कमी भी ना हो जाए, धूप भी उतो पैनी है। अरे अल्लाह अकबर। जी शहजाद भाई, क्या हो रहा है? ये भाई अभी तो इसको सेट किया है। ये यार अभी फिशिंग रॉड को सेट करते हैं, इसकी स्ट्रिंग के साथ जो है खाना शाना लगाते हैं मछलियों के लिए। खाना शाना लगाने के बाद फिर इसे जो है ना रेडी होती है, फिर इसे करते हैं, फेंकते हैं पानी में, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता। जबरदस्त सुकून है यार। जब भी यहाँ फ्री टाइम मिलता है तो आ जाते हैं कभी कभी बैठने यहाँ पर, और इन्जॉय करते हैं इस सी साइड व्यू को सुकून से। और पीछे में आप ये है जी यहाँ के प्रिंस का, आप उसे ऑफिस कह लें, जहाँ पर जो है सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं एक्सपर्ट से। जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का आता है, उन्हें यहाँ पर ठहराया जाता है। ठीक है जनाब, ये यहाँ पे ना श्रिम्स हमने लगा दिए हैं, श्रिम्स अटैच हो गए हैं जी। और ये है जी नीचे वेट, ताकि जो है स्ट्रिंग उसमें पानी में डूबा रहे। शेख तमीम्स ऑफिस, काफी बड़ी यार लोकेशन है। और ये जी स्ट्रिंग गई है रॉड में, ओ पानी में, देखते हैं, वेट करते हैं अब। अल्लाह करे यार कोई फिश वगैरह आ जाए। ये मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ, ये है जी वेस्ट बे का सारा एरिया, सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज। और बैठने के लिए यार चेयर्स गाड़ी में भूल गए हैं, अभी मैं गाड़ी की तरफ दोबारा जा रहा हूँ, लाते हैं वहाँ से चेयर्स और बैठते हैं सुकून से। और जो जो यहाँ कतर में है, दोहा मेन सिटी में है, जो वीडियो देख रहा है मेंशन करे यार कौन कौन यहाँ पर जो है रेगुलर आता है फिशिंग के लिए आता है, या कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका यहाँ पर। और कुछ फेमस स्पॉट्स मेंशन करें जहाँ पर जो है विज़िट करके आपको जो है दिखाया जा सके। उधर खड़ी है, उधर चलते हैं और चेयर्स निकालते हैं। ये देख सकते हैं आप कंट्रीज़ के फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए थे, क्रोशिया, फ्रांस, डेनमार्क, कतर। सनसेट के टाइम पे यार यहाँ बड़ा ज़बरदस्त व्यू हो जाता है, सुकून वाला। चलते चलते ये जी निकालें, गाड़ी को करते हैं अनलॉक। ये जी चेयर्स निकालते हैं और फिर चलते हैं जी दोबारा। यार दूसरी निकाले, ये वाली निकाले, कौन सी निकाली, यही निकाल लें। करते हैं बंद। हाँ।
चलते हैं जी। तो शेयर्स वगैरह आ गई हैं, दोबारा से जो है सिम लगा कर अब दोबारा से फेंकेंगे। छोटी सी एक फिश भाईजान ने पकड़ी है माशाल्लाह। किधर से आप? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से कहाँ से? स्वात कोहाट से। माशाल्लाह ये फिश देखें, छोटी सी फिश है। तो अभी ये कितनी पकड़ी हैं आपने अभी तक? तीन चार पकड़ ली हैं। इसी साइज में है या बड़ा साइज भी होता है? अच्छा 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 अच्छा। ये जी ऐसा ऐसा यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ फिशिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ वैसे ही एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। जबरदस्त इस टाइम हवा चल रही है। जनाब दोबारा जो है ना फेंकने लगे हैं, वेट स्ट्रीम दोबारा लगाए हैं, दोबारा रीसेट किए है रॉड को। अल्लाहु अकबर। यार ये हमें बता रहे हैं कि यार अगर कुछ गलती है तो उसे ठीक कर लें। इसके साथ एक और लगाएगा ना, इसके साथ एक और लगाएगा। लगा कुछ इसमें? उधर से कैसे हो गया भाई ने उधर से स्ट्रिंग फेंका है? लग गया वो तो उधर उनके फिशिंग रॉड को ना उन्होंने क्रॉस कर लिया। कभी कभी भाई साहब का ये इतनी दूर से फेंका और उनके फिशिंग रॉड को क्रॉस करते हुए ना उनका वेट उस तरफ चला गया। हाँ ये जो ना दोबारा से जो है श्रीम लगा रहे हैं इसका एक कम करो, इसका भी कर दिया कम से कर दिया। ये नहीं ये ठीक है, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा। ये क्या मतलब फीड का की जाएगा मालूम नहीं होता है, इतना बड़ा होगा तो अहमद भाई फिशिंग रॉड वो गिरा जी, ये अहमद भाई ने लगाया जी।
ले जनाब खान साहब की एक और फिश माशाल्लाह से एक और फिश आई है। फिश ही नहीं है पूरा काना काली आवाज माशाल्लाह जबरदस्त हमको बहुत खसारा करते हैं। ये देखिए जी मछली माशाल्लाह खान साहब माशाल्लाह आपकी तो ये पांचवी छवी ओहो बड़ी वाली भी है। ले जी माशाल्लाह ये बड़ी वाली भी इन्होंने पकड़ी हुई है देखें जी माशाल्लाह ये देखें जी इसके ऊपर विंग्स देखें जबरदस्त देख रहे हैं जी फिशेस खान साहब ने पकड़ी ये जी यहाँ पर शूट वगैरह होने लगा सनसेट का सनसेट तो हो चुका हुआ लेकिन शूट करने लगे हैं शहजाद भाई क्या सीन है वेट तो फेंका हुआ है देखो यार दुआ करो कोई फिश लग जाए हमें भी भाईजान खान साहब की कलेक्शन बड़ी जबरदस्त है मैं देखी है अभी यार हमने एक पकड़ी माशाल्लाह यार अभी एक फिश आई थी बिल्कुल छोटा सा ऐसा लेकिन ये वो भी यहाँ पर आते आते जो है ना वो निकल गई है किस वजह से निकल गया इधर पास में आया और निकल गया बिल्कुल छोटा साइज का था छोटा वाला हुक क्या वो लगाए उसकी वजह से नहीं हो रहा हाँ ये बड़ा तो उसका मुंह में अंदर नहीं जाएगा ना अच्छा वो ने जिस तरह खींचा थी ना खान साहब आपके पास छोटे वाला हुक है वो कह रहा बड़ा वाला हुक है इसकी वजह से ना वो आ नहीं रही फिश इसमें कौन सा छोटे वाला उसको बोलो आज हो जाए हाँ कौन सा वाला चाहिए आपको कौन सा वाला इसमें से लगाएंगे छोटा वाला सफेद वाला सफेद कौन सा सफेद वाला दूसरा नहीं ना इसमें से कौन से वाला इसमें छोटा भी है जो आप बोलते हैं वही है हम वो यूज नहीं करते इमरजेंसी के लिए अच्छा तो आपने भी बड़े वाला लगाया हम तो छोटा पीस का शौकीन नहीं है अच्छा आएगा सही चीज आएगा नहीं आएगा और भाई जान कैसे हैं आप कहाँ से हैं इंडिया केरला इंडिया केरला से माशाल्लाह बड़े के चक्कर में हाँ बड़े के चक्कर में बड़ा सोचना चाहिए नहीं बिल्कुल जो मिला उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बना चाहिए नहीं नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बड़ा भी तो आना चाहिए ना बिल्कुल 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 इंशाल्लाह वो भी आएगी इंशाल्लाह बेशक 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 अभी यार जो है भाई ने सजेस्ट किया छोटा हुक है वो ट्राई करते हैं लग गया भाई जान ये खराब हो जाएगा ना इधर लगा दो ना छोटा छोटा मैं बताता हूँ इधर लगाएगा ना मेरी ये छोटा हुक लगा रहे हैं देखो उसके बाद क्या फीडबैक मिलता है नानी ना ये देखो ना ये निकाले ना ये देखो ये उससे डालेगा हाँ उसको सिर भी डालना ये जी अब छोटा हुक लगाने की ट्राई कर रहे हैं ताकि जो है ना भाई का सजेशन है कि यार छोटा हुक लगाओ काला वाला वो सही रहता है उसमें से मच्छी नहीं जाएगा जाएगा नहीं अच्छा बड़े की वजह से ये है कि वो खा के खाना निकल जाती है अच्छा हाँ चलो यार अब दोबारा छोटे हुक से ट्राई करते हैं जरूरत नहीं है इसमें बंद होएगा नहीं आएगा
माशाल्लाह जी, सनसेट हो चुका हुआ है जी, माशाल्लाह जबरदस्त व्यू। ये जी यहाँ पर जो है सनसेट का व्यू जो है वो कैप्चर कर रहे हैं विद कैमरा शॉट्स प्रोफेशनल कैमरा से। ये देखें जी ऑटो शॉट्स में वो उन्होंने कंटिन्यू की हुई हैं, जो भी बेटर शॉट होगी वो इसमें कलेक्ट हो जाएगी। यस दिस इज फॉर यूट्यूब। ये जी खान साहब ने ना डबल वेट लगाया हुआ है तो ज़बरदस्त, उसकी वजह से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्टिंग दूर जाती है और ज़्यादा जो है वो गहराई में जाती है। आपको यहाँ पे हमारे पठान भाई ज़्यादा नज़र आएंगे। सनसेट का खूबसूरत व्यू, पुल 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 जी माशाल्लाह। इस रॉड में भी खान साहब की फिश आई है और सेकंड में भी ना पुल हो रही है सिंग। अब देखें इसमें से क्या निकलता है और इस रॉड में से तो माशाल्लाह ये फिश। ये देखो अभी बंदा वाला ना इसलिए। हाँ 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 माशाल्लाह। अब ये देखते हैं सेकंड स्विंग में से क्या जो है ना वो निकलती है। ओहो हो निकल गई, निकल गई फिश, निकल गई यार। लगता था जो है ना फिश का पीस जो है बड़ा वाला था जिस तरह स्ट्रिंग खींच रहा था, लेकिन इधर आते आते जो है ना वो निकल गई है। और इसको देखें माशाल्लाह, इसमें वही है ना हम लोग अभी लगाए उसमें ना छोटा भी लगाया। देखो छोटा का नहीं चाहिए, खान साहब को कहते हैं छोटा पीस नहीं हमें चाहिए, बड़े वाला चाहिए। इसमें कोई भी मिलेगा और यहाँ पर जो है शहजाद भाई वेट में अभी तक। जी तो माशाल्लाह से यार काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी हैं जो कि दिखा नहीं सकते। और नहीं हमें एक्चुअली जाना पड़ गया यार, ज़रा पिकअप करना था दोस्त को, इसलिए पैकअप किया है और अब निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और पीछे सोनिया सोनिया गोरियाँ आ रही ने दूर बोल रहे नहीं तो नज़र आ जाती। सर और माशाल्लाह से पीछे लाइट्स ऑन हो गई हैं, ज़बरदस्त व्यू बन जाता है यार रेक का। ये है जी पार्किंग और ये है जी गाड़ी और ये अब हम सामान रखते हैं और निकलते हैं। फिर बिस्मिल्लाह जी अब निकलते हैं भाई को पिक करने के लिए।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यही है कि मेरे ख्याल से घर की तरफ ही चलेंगे, और उम्मीद है कि यार आपको जो है वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। और काफ़ी देर बाद जो है ना वीडियो अपलोड हो रही है, जिसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा मसरूफियात है और इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन ट्राई करेंगे यार कंसिस्टेंट रहें कंटेंट बनाने के लिए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि यार इसी से मोटिवेशन मिलती है। चला है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।